गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर लोनी लोकवानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट के अंतर्गत आता है। इसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो आज हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध टूटता है। फर्स्ट रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब ROH जब HX के साथ क्रिया करता है तो RX का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें क्रियाशीलता का क्रम अगर हम देखते हैं तो अल्कोहल्स में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिव है टर्शरी, तृतीयक अल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। HX में हम देखें अगर क्रियाशीलता का क्रम तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है HI, फिर HBr, फिर HCl। जैसा कि ये रिएक्शन से भी हम देख सकते हैं, इथेनॉल लिया हमने, उसकी क्रिया करवाई HCl के साथ तो बनता है एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl और वाटर मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन HCl की होती है ड्राई जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जबकि CH3CH2OH की अभिक्रिया HI के साथ कराएं तो निर्माण होता है CH3CH2I एथिल आयोडाइड का, और इथेनॉल की क्रिया जब HBr के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड का। अब इनकी मैकेनिज्म हम देखें, इनकी क्रियाविधि देखी जाए तो दो तरह की क्रियाविधि इनमें पाई जाती है, SN1 और SN2। तो पहले SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ये होती है द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल्स के लिए, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स के लिए। जैसे हमने टर्शरी अल्कोहल लिया R3COH, इसकी रिएक्शन करवाई HX के साथ तो पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा R3COH2+, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में R3C पॉजिटिव चार्ज है जिसपे कार्बोकेटायन का निर्माण होगा और वो हेलाइड आयन X- के साथ क्रिया करके एल्किल हेलाइड R3CX बनाएगा। अब ये जो है क्रिया दो पदों में संपन्न होती है और इसमें कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अब पहला जो पद है उसकी गति धीमी होती है, इसलिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये वेग को निर्धारित करने वाला पद होता है। और अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल अल्कोहल की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि इस केवल अल्कोहल की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी अल्कोहल R3COH, इसीलिए इसे जो है हम एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर कहते हैं। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म SN2, SN2 क्रियाविधि, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ये प्राथमिक अल्कोहल्स के लिए है। प्राथमिक अल्कोहल जो है SN2 मैकेनिज्म दर्शाते हैं। तो जैसे ROH के साथ प्राइमरी अल्कोहल है, HX की क्रिया करवाई तो पहले RH2+ बनेगा, X- निकल जाएगा। अब X- जो है हैलाइड आयन ROH2 के साथ मिलके XROH2 एक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और उसके बाद जो है RX और वाटर का निर्माण होगा, RX मीन्स एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। तो पहले वाली रिएक्शन स्लो है, इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद फास्ट रिएक्शन होगी। तो सर्वप्रथम जो है अम्ल से प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है। फिर उसके बाद संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध पूर्णतया टूटने की बजाय कमजोर हो जाता है। अब हैलाइड संक्रमण अवस्था से एक अणु जल को प्रतिस्थापित कर देता है और इसमें जो है ये नाभिक स्नेही का आक्रमण जो होता है वो पीछे से बैकसाइड से होता है। X- जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और
इस पे बैक साइड से अटैक करता है, जो कि रिएक्शन में दिख रहा है, जो कि सर्कल में डॉटेड लाइन से बताया गया है। अब क्रिया का वेग अल्कोहल एवं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। चूंकि दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसे द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से ये जो है SN1 और SN2 दोनों की क्रियाविधि दर्शाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया। अब इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ क्रिया कर संगत एल्किल हैलाइड बनाते हैं। जैसे ROH लिया, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, PBr3 के साथ क्रिया करके RBr एल्किल ब्रोमाइड बना रहा है और H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण होता है। अब इसका भी मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो RCH2OH प्लस PX3, तो पहले जो है प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH PX2 और हैलाइड आयन निकल जाएगा SX- और फिर यह अटैक करेगा प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट पे और निर्माण होगा RCH2X का एल्किल हैलाइड का और HOPX2 निकल जाएगा। अब अल्कोहल एक जो है यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, नाभिक स्नेह की तरह कार्य कर रहा है, यह फास्फोरस हैलाइड से हैलाइड आयन का विस्थापन कर देता है एवं प्रोटोनेटेड एल्किल डाय हेलोफास्फाइड बनाता है, जो कि रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। अब X- भी जो है न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह की तरह कार्य कर रहा है और HOPX2 को प्रतिस्थापित कर देता है और एल्किल हैलाइड्स का निर्माण होता है। अब ये भी प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो एल्केनॉल ऐसे लेते हैं जिनके बीटा कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो वो सांद्र H2SO4, H3PO4, P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्कीन बनाते हैं। बीटा कार्बन मीन्स जैसे ऐसे अल्कोहल RCH2CH2OH। अब CH2OH जो है जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पास वाला जो कार्बन है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब इसमें जो है इसको बीटा कार्बन बोला जाता है। तो ये इसके एग्जांपल्स जैसे देखें, इथेनॉल लिया हमने CH3CH2OH, तो उसको हम लिख सकते हैं HCH2CH2OH। एल्यूमिना के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन और वाटर। अब हमने नेक्स्ट लिया 1-butanol CH3CH2CH2CH2OH, ये H2SO4 के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3-2-butene, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, और 1-butene CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यह कम मात्रा में बनाता है, इसलिए यह माइनर प्रोडक्ट है। अब इसकी भी क्रियाविधि मैकेनिज्म देखी जाए तो इसमें E1 एलिमिनेशन विलोपन जो है वो अभिक्रिया पाई जाती है। जैसे CH3CH2OH है, प्लस H इस पे जुड़ेगा तो प्रोटोनेटेड पहले बनेगा CH3CH2OH2 प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कार्बोकेटायन का इसमें निर्माण होगा, CH3CH2 प्लस चार्ज लगा है, जो कि इसमें डॉटेड सर्कल्स में दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक हाइड्रोजन जो है इसमें निकल जाएगा -H+ और C डबल बॉन्ड C एल्कीन का निर्माण होगा। तो इस तरह इसमें जो है E1 विलोपन जो है मैकेनिज्म पाया जाता है। और टर्शरी अल्कोहल्स जो है तृतीयक अल्कोहल की अपेक्षा सेकेंडरी और सेकेंडरी की अपेक्षा प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन जो है वो उच्च ताप पर होता है। इस तरह से ये रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की। थैंक यू।